बारिश के बाद भारत और साउथ अफ्रीका बीच खेला गया सुपर ओवर महामुकाबले में रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव का आया तूफान। दोनों ही बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका टीम के उड़ाई पर खच्चे। जी हां दोस्तों, बारिश थमने के बाद दोनों ही टीमों बीच बहुत ही रोमांचक सुपर ओवर महामुकाबला देखने को मिला, जिसमें रिंकू सिंह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से टीम इंडिया जीता सुपर ओवर महामुकाबला और इसी के साथ साथ पहला T20 महामुकाबला भी जीत लिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार और हमारे चैनल क्रिकेट गैलेक्सी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बारिश के बाद खेला गया सुपर ओवर महामुकाबले का पूरा हाईलाइट। जी हाँ दोस्तों, आप यदि रोंगटे खड़े कर देने वाली सुपर ओवर का पूरा हाईलाइट देखना चाहते हो तो आपको वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखना होगा। और हाँ दोस्तों, आप सबसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दो, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक नहीं करे हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक कर दो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए मैं आपको सुपर ओवर का पूरा रोमांचक हाईलाइट दिखाता हूँ। तो बारिश के बाद दोनों ही टीमों बीच सुपर ओवर महामुकाबला खेला गया, जिसमें कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर अफ्रीका टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित करें। साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से पारी का शुरुआत करने आए विस्फोटक बल्लेबाज हेनरी क्लासन और डेविड मिलर, और टीम इंडिया की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं हर्षदीप सिंह। और हर्षदीप सिंह के सुपर ओवर के पहले ही बॉल पर हेनरी क्लासन 2 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद दूसरे बॉल पर हेनरी क्लासन 1 गगनचुम्बी छक्का जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों हर्षदीप सिंह तीसरा बॉल अर्कर डालते हैं और हेनरी क्लासन सिर्फ 1 ही रन बना पाते हैं। अब यहाँ से स्ट्राइक पर आ गए थे डेविड मिलर, और डेविड मिलर आते ही हर्षदीप सिंह के चौथे बॉल पर 1 करारा चौका जड़ देते हैं। इसके बाद पांचवे बॉल पर डेविड मिलर 1 गगनचुम्बी छक्का लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेविड मिलर काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोस्तों हर्षदीप सिंह अपने लास्ट बॉल पर सिर्फ 2 ही रन देते हैं। तो कुछ इस तरह से हेनरी क्लासन के 9 रन और डेविड मिलर के 12 रनों की मदद से साउथ अफ्रीका टीम सुपर ओवर में 21 रन बटोर लेती है। अब यहाँ से टीम इंडिया को सुपर ओवर महामुकाबला जीतने के लिए 6 गेंद में चाहिए थे 22 रन, और टीम इंडिया की तरफ से पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए पारी का आगाज करने आए सूर्य कुमार यादव के साथ रिंकू सिंह। तो वही साउथ अफ्रीका टीम की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आते हैं मार्को एंसन, और मार्को एंसन के ओवर के पहले ही बॉल पर सूर्य कुमार यादव 1 करारा चौका जड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों मार्को एंसन वापसी करते हुए दूसरे बॉल को डट करा देते हैं। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव तीसरे गेंद पर 1 गगनचुम्बी छक्का जड़ देते हैं। इसके बाद मार्को एंसन के चौथे बॉल पर सूर्य कुमार यादव दौड़कर 3 रन बटोर लेते हैं। चौथे गेंद पर 3 रन बनाने की वजह से स्ट्राइक पर आ गए थे रिंकू सिंह, और अब यहाँ से टीम इंडिया को ये सुपर ओवर महामुकाबला जीतने के लिए आखिरी 2 गेंद में चाहिए था 9 रन। स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह पांचवे बॉल पर 1 करारा चौका जड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह भी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से टीम इंडिया को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए आखिरी गेंद में चाहिए था 5 रन, और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह, और रिंकू सिंह ने मार्को एंसन की लास्ट बॉल पर 1 गगनचुम्बी छक्का डालकर टीम इंडिया को जिताया पहला T20 महामुकाबले का सुपर ओवर मैच। जी हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव की 13 रन और रिंकू सिंह की 10 रनों की मदद से टीम इंडिया जीता पहला T20 महामुकाबला। और हाँ दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से आपको कौन सा अच्छा बल्लेबाज लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अब इसके बाद भारत और साउथ अफ्रीका भी दूसरा T20 महामुकाबला 13 दिसंबर को खेला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इस वाले महामुकाबले में देखते हैं कि कौन से टीम जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया T20 सीरीज 3-0 से जीतने वाली है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, और वहीं पर हर्षदीप सिंह भी काफी शानदार रन में आर्कर डालते हैं। लेकिन दोस्तों आज हर्षदीप सिंह सुपर ओवर महामुकाबले में बुरी तरह से पिट गए हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहला T20 महामुकाबला जिता दिया है। तो दोस्तों पहला T20 महामुकाबला जीतने के बाद आप यदि खुश हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।